तो जैक स्नाइडर के इमेजिन जस्टिस लीग के सीक्वल में क्या होता? तो डार्क साइड अर्थ पर आता है जहां सुपरमैन इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह डार्क साइड बैट केव में जा पहुंचता है जहां ब्रूस वेन प्रेग्नेंट लुइस लेन की हिफाजत कर रहा होता है। लेकिन डार्क साइड बैटमैन को हरा कर लुइस लेन को मार देता है और लेक्स लूथर की दी हुई एंटी लाइफ इक्वेशन से सुपरमैन को कंट्रोल कर लेता है। फिर कुछ टाइम के बाद जहां धरती विनाश के करीब होती है, बाकी सुपर हीरोज एक मदर बॉक्स ढूंढते हैं और फ्लैश टाइम में पीछे जाकर बैटमैन को एडवांटेज देता है ताकि वो डार्क साइड से लड़ सके। फिर बैटमैन लुइस लेन को बचाते बचाते खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, फिर मैन फुल कंट्रोल में डार्क साइड को भगा देता है। फिर मूवी के फाइनल एक्ट में डार्क साइड के प्लेनेट की एंटायर आर्मी और सारे गॉड्स, सुपर हीरो, सुपरमैन, ग्रीन लैंटर्न, वंडर वुमन, इन सब के बीच एक बैटल होता जिसमें बहुत मुश्किल से डार्क साइड मारा जाता। फिर मूवी के एपिलॉग में हमें ये दिखता कि सुपरमैन के बेटे के पास कोई सुपर पावर्स नहीं है और वो ब्रूस वेन को ट्रिब्यूट देने के लिए डीसी का नया बैटमैन बन जाता है।